तो आपने इस तरह की लॉक्ड आईडी को कैसे अनलॉक करनी है, तो ये ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल के आइकन को दबाना है ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जाने आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो अभी मैं ये ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें आपने खोलना है एक न्यू टैब। तो ये आईडी आपने मतलब पहले ही अपने ब्राउज़र में लॉगिन करनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं कुछ लिंक्स वगैरह दे दूँगा। तो सबसे पहले आपने इसका नेम चेंज कर लेना है, ठीक है। आपको एक फ्रेश प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपने कहीं से भी लाना है, बट फ्रेश हो, बिल्कुल भी यूज़ ना हुआ। तो मैं इस लिंक को मतलब कर लेता हूँ। तो अभी आपके पास मतलब नेम चेंज का ऑप्शन आ गया है। तो अभी आपने क्या करना है, तो यहाँ पे मतलब जो आईडी कार्ड है, प्रूफ है आपके साथ, आपने इसका नेम यहीं पे रखना है, ठीक है। बट एक बात, अगर आपके इस आईडी में जीमेल आने तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको जीमेल के थ्रू मतलब मेल आ जाएगी कि आपका नेम चेंज हो गया है एंड आपका डेटा ऑफ बर्थ। एंड जब आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा तो आपका मतलब जीमेल भी आ जाएगी कि आपका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया है, या मतलब आपके पास गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप अपना अकाउंट 3 दिन के बाद चेक कर सकते हो, या तो 48 घंटों के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट का नेम लिख लेता हूँ, जो मतलब मेरे पास प्रूफ है। तो ये हो गया हमारा नेम। तो उसके बाद यहाँ पे आपने पिक वन पे कैसे सेलेक्ट करनी है। बहुत से लोग करते हैं ना कि निक नेम वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास प्रूफ है तो आपने लीगल नेम चेंज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने नीचे प्रूफ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रूफ डालनी है, ठीक है। तो मैं प्रूफ डाल लूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपना प्रूफ सबमिट कर दिया। तो अभी आपने सिंपली कर देना ही सेंड इसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अब आपने इसको कर, जैसे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो जैसे ये सेंड होगा तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो कुछ और था, मैं कोई और वीडियो बनाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस टॉपिक पे मैं बनाना चाहता था उसका मतलब मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं जो टॉपिक पे बनाना चाहता था वो था ग्रुप मोनेटाइजेशन। तो मुझे ग्रुप मोनेटाइजेशन के लिए एक बड़ा ग्रुप चाहिए था, तो बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं दिया। तो सॉरी, उस टॉपिक में मैं मतलब वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि आजकल ट्रस्ट बहुत कम हो गया है। तो अब आपने कर लेना है एक न्यू टैब ओपन, और यहाँ पे आपने कर देनी है ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वाली लिंक आपने कर देनी है, और यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। तो उसके बाद आपने इसको भी कर देना है डन। तो अब यहाँ पे आपने वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके साथ प्रूफ में हो, ठीक है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ चेक कर लूँ, डेट ऑफ बर्थ तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था कि मतलब आजकल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि स्कैमर वगैरह बहुत ज़्यादा है, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो मैंने बहुत से एडमिन को मैसेज कर दिया कि मतलब आप मुझे 10 मिनट के लिए ग्रुप का एडमिन बना दो, बट किसी ने भी मतलब आजकल जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डेट ऑफ बर्थ चेंज। तो अगर मतलब किसी ने मतलब मुझे कुछ दिनों में ग्रुप दे दिया, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड पेज मोनेटाइजेशन एंड ग्रुप मोनेटाइजेशन, इन दोनों पर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। तो अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है दिस इज़ माई रियल बर्थडे, ठीक है। और आपने कर देनी है सिंपली सेव, ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर से क्या करना है, आपने खोलना है एक न्यू टैब, ठीक है। तो जैसे आप न्यू टैब ओपन करते हैं तो आपको मतलब एक न्यू लिंक को मतलब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ कॉपी। और अगर मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मतलब आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, तो जिसको भी ऐड होना है तो वो मतलब
मेरे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप है तो आप उसमें ऐड हो सकते हो एंड विदाउट कोई स्कैम के आप किसी भी चीज़ को आसानी से बेच सकते हो एंड सेल भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको भी लिंक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपने आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन इशू, तो अभी यहाँ पे आपको ये देना है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ये दे दूँ और यहाँ पे चूज फाइल पे आपने मतलब वहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेनी है फर्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट पे वही स्क्रीनशॉट मतलब मेंशन कर दिया, मतलब यहाँ पे डाल दिया, तो कर दी सिंपली सेंड, ठीक है। तो एक हो गई, फिर से आपने इसी टैब पे बैक जाना है और यहाँ पे वही प्रूफ डालना है, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे मैं प्रूफ सबमिट, तो इस बार हमने अपना प्रूफ सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेंड, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके पास ये आईडी तकरीबन एक दिन या दो दिन के अंदर इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आप सिंगापुर की प्रॉक्सी लगाकर इसको एक बार और ट्राई करें, तो इंशाल्लाह तब 100% आपके पास हो जाएगी। एंड दूसरी बात, तो अगर आपको किसी भी चीज़ मतलब कोई भी सेल करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर मतलब कोई और किसी भी वीडियो के बारे में मतलब वीडियो चाहता है तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दो मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरे ये आईडी चाहिए तो उसकी भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो एंड टेक केयर।